नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे प्रवृत्ति द्वारा जोईशुं के जमीननी अंदर पण हवा रहेली छे। तो चालो जोईए आजनी प्रवृत्ति। विद्यार्थी मित्रों, आ प्रवृत्ति माटे तमारे जोईशे एक ग्लास, माटीना सूका टेफा अने पाणी। विद्यार्थी मित्रों, सौप्रथम आपणे ग्लासनी अंदर आ रीते माटीना टेफा उमेरीशुं। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आ टेफानी अंदर पाणी नाखीशुं। विद्यार्थी मित्रों, तमे अहीं जोई शको छो। विद्यार्थी मित्रों, तमे अहीं जोई शको छो के माटीनी अंदरथी आपणे परपोटा निकळता होय एवं जणाई रह्यु छे। विद्यार्थी मित्रों, आ माटीना टेफामां पाणी रेड़वामां आवे छे त्यारे आ परपोटा कई रीते निकळे छे। सरस। विद्यार्थी मित्रों, माटीनी अंदर रहेली हवा परपोटा स्वरूपे बहार निकळे छे अने ए हवानी जग्या पाणी ले छे, एटला माटे ए परपोटा स्वरूपे हवा बहार निकळती आपणे जोवा मळे छे। जोयो ने विद्यार्थी मित्रों, हवा जमीननी अंदर पण रहेली छे, एटला माटे ज विद्यार्थी मित्रों जे जमीननी अंदर रहता जीवो छे, जे सजीवो जमीननी अंदर रहे छे ए अने वनस्पति मूल द्वारा जे जमीननी अंदर रहेलो ऑक्सिजन अथवा तो हवा छे एनो श्वसननी अंदर उपयोग करता होय छे। तो विद्यार्थी मित्रों, ज्यारे ચોમાસાની अंदर वरसाद पड़े त्यारे जे वरसादनुं पाणी छे ए जमीननी अंदर जाय अने ए जमीननी हवानुं स्थान लई ले छे। एटला माटे तो ચોમાસાની अंदर અળસિયા અને બીજા સજીવો જમીનમાંથી બહાર આવતા હોય છે શ્વાસ લેવા માટે। તો વિદ્યાર્થી ખ્યાલ આવ્યો ને કે ચોમાસાની અંદર શા માટે જમીનની અંદરથી સજીવો બહાર આવતા હોય છે તે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો એને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ચૂકશો નહીં। ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે, ત્યાં સુધી નમસ્કાર।